थे, पता नहीं क्या बोलूँ मैं। Hey everyone and welcome back to my channel. So in today's video I'm going to share with you guys how I shape my eyebrows, because during this time all the salons are closed and so many of you guys really want to do your eyebrows, and as well as Eid is coming, so you know it's a really difficult time for all the girls out here. So I'm gonna teach you guys how I do my eyebrows, my upper lip, that's it. Okay, when it comes to the eyebrows are the most difficult part, because when someone has no experience how to do their eyebrows, it's really difficult for them to even touch them, because they get scared that either something will go wrong, maybe kuch galat ho jayega, shape bigad jayegi, this and that. But today main aapko bataungi ki it's super easy to create that. So yeah, so upper lip ke liye you can thread, main mostly thread karti hu, it's easy ki aap threading use karo. Aur agar threading use nahi kar sakte ho तो आप आईब्रो इरेजर भी यूज़ कर सकते हो. सो जो मैं इरेजर्स यूज़ करती हूँ ये है टिकल की और टिंकल की, आई डोंट नो, बट दिस इज़ द वन एंड मैं ये यूज़ करती हूँ. सो ये अफोर्डेबल भी है एंड यू कैन फाइंड दिस ऑन अमेजोन, नायका, एवरीवेयर एंड इवन शायद लोकल स्टोर में भी मिलता होगा, आई एम नॉट श्योर. बट या मैं इस इरेजर को यूज़ करती हूँ एंड एज यू गाइस कैन सी ये बहुत ही यू नो ईजी है इसका यूज़ करना. बट अगर आपको यूज़ करना आता होगा तो ओबियसली ईजी है, अगर नहीं आता होगा सो ऑल यू नीड टू डू इज़ बी केयरफुल, क्योंकि एकदम से अगर आप आईब्रोज़ को ऐसे ऐसे करोगे तो एकदम से कट भी लग सकता है या फिर आपका शेप भी बिगड़ सकता है. तो एज यू गाइस कैन सी कि मेरे आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं एंड आई रियली वॉन्ट टू डू दिस, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको आता नहीं है. सो आई वॉज़ लाइक वाई नॉट मैं यही इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, और वैसे भी कुछ था नहीं करने के लिए, बस एक चलो आईब्रोज करते भी है और साथ में साथ आपको भी दिखाएंगे. देखिए आई कैन सी मेरे आईब्रोज कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आईब्रोज कैसे बनाती हूँ. तो या और एज वेल एज मेरे मुश्ताश भी आ चुके हैं एंड आई हैव टू डू दिस टू, इट्स रियली एम्बैरेसिंग. सो या तभी मैं दिखाऊँगी आपको, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट यूज़ दिस इरेजर एंड दैट्स इट. एज यू गाइस कैन सी मैंने इस आईब्रो को शेप कर दिया है, क्योंकि मुझे मोटे आईब्रोज पसंद है, थिक आईब्रोज पसंद है, तो इसलिए मैंने इसको थिक रखा है. अगर आपको पतले चाहिए तो आप पतला कर सकते हो, बट बिकॉज ऑफ दिस कट मैं इसको ज़्यादा छेड़ नहीं सकती हूँ, बिकॉज फिर कट ज़्यादा दिखेगा. बट ये है, सो यू गाइस कैन सी द डिफरेंस दिस साइड वर्सेस दिस साइड. सो नाउ आई एम गोना डू दिस साइड, तो आपको दिखाऊंगी मैं कैसे करते हैं. एंड ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू यूज़ बोथ ऑफ योर हैंड्स एंड यू नीड अ मिरर, सो आई एम यूजिंग दिस रियल क्लोज अप मिरर. तो अब हम चलते हैं अपने आईब्रोज बनाने के लिए. सो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज आई डोंट नो, मुझे उधर देखना है या इधर देखना है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा. ओके सो नाउ इट्स परफेक्ट. सो आई एम गोना टेक आईब्रोज को ऐसे लेना है और रियली लाइट हैंड से यू नो इसको शेप करना है, लाइक मूव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वाला साइड यूज़ करूँगी, यहाँ से कट करूँगी, बिकॉज ये बहुत अजीब सा लग रहा है. सो बहुत ही स्लो मोशन के साथ आप देख रहे हो मैं यूज़ कर रही हूँ एंड ये ख़त्म हो रहा है. नाउ क्या करना है, इस हाथ से इसको ऊपर पकड़ना है, क्योंकि टाइट करने अपने स्किन को एंड देन जस्ट गो स्लो स्लो स्लो, बिल्कुल स्लो मोशन में यूज़ करना है. अब देख रहे हैं, और ये जो एक्सेस हेयर्स हैं ऊपर से ये भी हम हटाएंगे मैं के हाथ से, इसको भी स्लो, बिल्कुल स्लो स्लो. इन्हें से क्या स्किन सी कितने सारे बाल हैं. ओके, पहले तो यहाँ से चालू करना है मुझे. एंड यू गाइस कैन सी, ओ माय गॉड, ये सारे एक्सेस हेयर हमें निकालना है, जो कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के टाइम पे ये निकाल देते हैं, बट अभी नहीं कर सकते हैं. तभी मैं इसके बाद ये वाला पोर्शन रेज करूँगी. एंड यू गाइस कैन सी कितने सारे हेयर्स इस पर, तो आपको जितना पतला चाहिए उतना पतला कर सकते हो. आउट ऑफ फ्रेम जा रही हूँ एक्चुअली. नाउ स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, तो मैं बॉटम का ऐसे पकड़ूंगी एंड आई विल स्टार्ट
doing it really slowly. जो भी एक्सेस है उसको हटा रही हूँ मैं पहले तो, फिर इसके बाद मैं इस शेप के बारे में सोचूंगी कि मुझे कैसा शेप चाहिए. हट रहा है पहले तो, फिर उसके बाद अगर मुझे थोड़ा सा और पतला चाहिए या कैसा भी शेप चाहिए मैं उस पर जाऊँगी. एंड बी केयरफुल, बहुत ही स्लो स्लो करना है. एंड द मेन पार्ट कम्स ओवर हेयर कि इस तरीके इसको कैसे करना है. सो नाउ यू हैव टू जस्ट लिफ्ट योर आईब्रोज एंड यहाँ से स्लो स्लो ऐसे ऐसे करना है. एंड बी केयरफुल, ज़्यादा एकदम से ऐसे नहीं करना क्योंकि उखाड़ भी सकते हैं हम बालों को. सो इसलिए वी नीड टू बी केयरफुल, या अपने आप को कट भी कर सकते हो. सो मुझे तो करना आता है, दैट्स वाई मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट करती हूँ. बट यू गाइस हैव टू बी रियली स्लो विद दिस. स्किन सी, अब मुझे ये सारे हटाने हैं, इसको मैच करना है मेरे को. नाउ इट्स परफेक्ट, ये स्किन सी. सो मुझे अब ये भी परफेक्ट करना है. ये बन गया हमारे आईब्रोस. एंड सेम मोशन में जो नीचे वाले पोर्शंस होते हैं उसको भी ऐसे ऐसे स्लो 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 आप यूज़ कर सकते हैं. तो ये था वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी. आप जब वंस यू आर डन विद दिस, आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर लेके लगा सकते हो. एंड दैट्स एट, मॉइस्चराइजर या टोनर कोई सा भी लगा सकते हो. सो अभी मैं जाके लाइक मॉइस्चराइजर ऑन ऑल दोज थिंग्स एलोवेरा जेल लगाऊंगी अपने फेस पे. सो या दैट्स व्हाट आई डू, एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा. एंड या इफ हेल्पफुल रहा देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. एंड मुझे अपने सजेशंस बताइए कि मैं बाद में और कौन से टॉपिक पे वीडियो क्रिएट करूँ जो आप लोगों को लाइक हेल्पफुल लगेगा. सो या आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.